हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पतंजलि योग पीठ परिवार के साथ छठवा गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम व उत्साह से मनाया। 26 जनवरी को स्वामी जी महाराज एवं आचार्य जी सर्वप्रथम आचार्य कुलम में गए। यहां बच्चों ने परेड के माध्यम से स्वामी जी एवं आचार्य श्री की अगुवानी की। इसके पश्चात स्वामी जी ने ध्वजारोहण किया। वंदे मातरम गान के मध्य आजादी के नायकों को याद कर नमन किया गया। आचार्य कुलम गुरुकुलम पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं समेत सेवाव्रती भाई बहनों ने भी इस राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लिया। इसके पश्चात स्वामी जी और आचार्य श्री सभागार में पहुंचे, जहां रक्षा सूत्र बांधकर स्वामी जी एवं आचार्य जी का अभिनंदन किया गया। इस वर्ष प्रसिद्ध हास्य कलाकार भाई राजपाल यादव ने भी अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय पर्व पर अपना संदेश संप्रेषित किया। इस अवसर पर आचार्य कुलम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात स्वामी जी महाराज आचार्य श्री एवं श्री राजपाल यादव जी ने पतंजलि योग पीठ फेज वन में ध्वजारोहण किया एवं उपस्थित हजारों लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद स्वामी जी महाराज 66वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पतंजलि के अन्य संस्थानों पतंजलि आयुर्वेद एवं दिव्य फार्मेसी में भी गए और वहां पर ध्वजारोहण किया एवं लोगों को अपने आशीर्वचन से कृतार्थ किया। दिव्य फार्मेसी में लोगों को अपना आशीर्वचन देने के पश्चात स्वामी जी महाराज ने दिव्य फार्मेसी की नई एम्बुलेंस लोगों की सेवा के लिए दिव्य फार्मेसी को समर्पित की। आइए देखते हैं 26 जनवरी को पतंजलि और उसके अन्य सेवा प्रकल्पों में आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य मुख्य अंश।
भारत के पास में अपरिमित सामर्थ्य है। जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं और 26 जनवरी 1950 से ही अपने देश का संविधान और उस संविधान के तहत राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हम सबने पुरुषार्थ किया और आज यो ऑफिशियली भारत दुनिया की तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। खाली अमेरिका, चीन और जापान की हमसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं, लेकिन वो तब है जब हमारे यहां पर अनअकाउंटेड मनी बहुत ज्यादा है। मनी पैसा तो है लेकिन वो पेपर पर नहीं, हिसाब किताब में नहीं लिखाया हुआ उसका। बाकी यदि अनअकाउंटेड मनी को जोड़ दिया जाए तो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। तो भारत किसी से कमजोर नहीं, पैसे के ऊपर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी दिखती है। और भारत खाली अर्थ शक्ति में नहीं, ज्ञान शक्ति में, धर्म शक्ति में, पवित्रता में, प्रॉस्पेरिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, सब में भारत युगों युगों से शिखर पर था। और ऐसे भारत के नागरिक होने का हमको गर्व है कि जिस देश में भगवान राम पैदा हुए, जिस देश में भगवान कृष्ण पैदा हुए, जो भगवान शिव का देश है, गौतम कात, जैमे, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का देश है, जो गांधी का देश है, पटेल का देश है, उस देश में मैं पैदा हुआ हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। अभी सबसे पहला गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम आचार्य क्रम में रखा, आचार्य क्रम के बच्चों से कह रहा था कि आज दुनिया के दो सबसे बड़े ताकत इंसान माने जा रहे हैं, और ओबामा और दूसरा मोदी। ओबामा और मोदी दोनों ही गरीब परिवार में पैदा हुए। ओबामा के परिवार के लोग आप सभी को पता है अफ्रीका से आते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए अमेरिका गए थे और इनको तो दूसरों ने पांच वर्ष के बड़ा किया। मोदी जी के बारे में भी सभी को पता है कि इनके पिता किस तरह से ट्रेन में चाय बेचा करते थे, उससे अपना गुजारा बसर किया था। मैंने ऐसे अभाव और संघर्षों के बीच में पैदा हुए। उनको नाचारी ग्रहण के वचन से कह रहा था कि उतना ऊंचा वातावरण नहीं मिला जो आप लोगों को मिल रहा है। कहा आप लोग यदि संकल्प ले लो तो एक एक बच्चा ओबामा और मोदी से भी आगे जा सकता है, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो अवसर मिला, वो सौभाग्य मिला। और वैसे भी भगवान ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। जो दुनिया के ताकतवर शख्स कहे जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे किसी भी सोशल स्पिरिचुअल में, भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के समान रूप से सबको ज्ञान दिया है, समान रूप से सबको कर्म करने का सामर्थ्य दिया है। एक ही जैसा दिल, एक ही जैसा दिमाग, एक ही जैसी शक्ति परमात्मा ने सबको दी है। और आप जिस कारण में खड़े हो, दुनिया के सबसे बड़े आयुर्वेद की इकाई है विवेक फार्मेसी। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में नंबर वन होना बहुत बड़े गौरव की बात है कि आप किसी भी एक फील्ड में नंबर वन हो जाए। और हम लोग एक फील्ड में नंबर वन नहीं है, पूरी दुनिया में योग के क्षेत्र में यदि कोई नंबर वन प्रथम कोटि का संस्थान है तो अनलिमिटेड है। पूरी दुनिया में आयुर्वेद के क्षेत्र में वर्ल्ड में नंबर वन है तो दिव्य फार्मेसी बताइए आयुर्वेद है। और पूरे देश में स्वदेशी का यदि नंबर वन का कोई संस्थान है तो वही अपना पतंजलि है। और पूरी दुनिया में वैदिक संस्कृति के लिए सबसे बड़ा यदि कोई कार्य कर रहा है
तो वह भी पतंजलि योग की है। योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के समानार्थी खुले जाने का एक एक नहीं चार चार क्षेत्रों में हम नंबर वन है। ये नंबर वन किसी राजनेता ने हमको बनाया? बोलो, किसी राजनेता ने बनाया? किसी अभिनेता ने बनाया? नहीं, यह हमारा अभिनेता ही बैठा है। देखकर के सब लोग हंसने लगते हैं। तो जो है हमको हम किसी की कृपा से नंबर वन नहीं बने। कृपा का भी बहुत बड़ा कारोबार है। आज तक तो रसगुल्लों में कृपा बिकती है पर हमारा कृपा नहीं कि बड़े ऐसा समोसे खा लेना कृपा हो जाएगी। बोले बाबा जी समोसे खाए कृपा नहीं की। बोले कैसे खाए थे? बोले हरी चटनी से। बोले इस बार लाल चटनी से खा। ऐसे ऐसे कृपा की भी कारोबार चल रहे हैं। यहाँ कृपा किसी कंपनी की नहीं थी, किसी राजनेता की नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी, किसी कॉर्पोरेट की नहीं थी। और देखो ये इतनी बड़ी देखो फार्मेसी और इसके अंदर का जो विस्तार देखते हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हुआ कैसे? इसके पीछे पैसे की भी कृपा नहीं थी। देखो समृद्धि संपत्ति साम्राज्य ये बड़े बड़े शब्द हम सुनते रहते हैं। ये सारा विस्तार ही संकल्प का प्रबल संकल्प और अखंड पुरुषार्थ भगवान के संकल्प का विस्तार है सारी सृष्टि। और यहां दिव्य फार्मेसी से लेकर के पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के पतंजलि योगपीठ से लेकर के आचार्यपुरम से लेकर पूरे विश्व में और तो बहुत बड़ा आगे अपनी सेवाओं का विस्तार होना। अभी तो जो हरिद्वार में किया है वो हर एक जिले में होने वाला है और हर एक घर घर में होने वाला है। ये है बड़ा काम जो होना है। अभी जो होना है हर एक जिले में आचार्यक्रम होगा और आचार्यक्रम मात्र एक शिक्षण संस्थान ही होगा। वो वैदिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा का तो सबसे बड़ा संगम होगा ही। उसमें योग होगा, उसमें आयुर्वेद होगा, उसमें स्वदेशी का संकल्प होगा, उसमें वैदिक संस्कृति चतुर्वर्ण धर्म पंच महायज्ञ 16 संस्कारों की पावनी परंपरा होगी। उसमें अपने ऋषियों का दर्शन ऐसा एक और बड़ा विस्तार होने वाला है। और आज आप सब पूरे सेवा संकल्प में प्राणभूत है। आप इसकी आत्मा है। आज यह जो भी योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की सेवा का काम हो रहा है इसमें श्रद्धे आचार्य भाषण और स्वामी रामदेव ही मात्र केंद्र में नहीं है। आप इस सारे सेवा के आत्मा आप लोग हैं। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमको देश की सेवा करनी सब आप एक दिन तो जाता ही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरुआत से देखता हूं या देवी फार्मेसी में जब है जितने भी हमारे कर्मयोगी भाई बहन है वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी लेकर के आते हैं। इन बच्चों को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। छोटी सी उम्र में अब इस बच्चे के हाथ में तो भी तिरंगा है। क्या नाम है इसका? अजय कुमार। छोटे का इसका अजय कुमार नाम है। इसको उठा कर दो। अब ये कितनी साल का है? ये 3.5 साल का। 3 साल का अजय कुमार इसलिए जोरदार अभिनंदन। अभी अपने हाथ में अभी इसी तरह का ये इसके मन में संस्कार पड़ता है। अब दूसरा भी है 4 साल का होगा सर। ये 4 साल का दूसरा क्या नाम है? सुमित। सुमित आया की कहीं का लगा था कि आने की कहीं नजर न हो। तो ये छोटे छोटे हमारे बच्चे आप ही लोग बचपन से यहाँ लेकर के आते हो। 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर मैं देखता हूँ ऐसे ही अपने बच्चों को हमारी सबसे आगे बच्चों वाली खोज है। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो।
देश की सेवा मात्र सेवाओं पर लड़ाई करके नहीं होती, वो भी एक सेवा है देश की। हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों के भाई वो भी बहुत उत्साह करते हैं। हमारे बीएसएफ से लेकर के सीआरपीएफ से लेकर के हमारे साथ भी हैं सीआरपीएफ वाले, एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अपनी जान हथेली पर धर करके अपने वतन की हिफाजत करते हैं, उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब जो जहां है वहां श्रेष्ठतम काम कर पूरा पुरुषार्थ करें पूरी ईमानदारी से, तो बस यही से सब बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। और ऐसे ही पूरी श्रद्धा से पूरी पवित्रता से पूरा पुरुषार्थ प्रदेश के लिए करते रहे। देखो जब आयुर्वेद का हमने काम शुरू किया था आज 20 साल पहले, कितने साल पहले, 20 साल पहले बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो जवान हो गए। और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं यहाँ काम करते करते उनके भी बच्चे पैदा हो गए और वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। ये कार्य ऐसे ही बड़ा हुआ है, शून्य से ये सृजन हुआ, शून्य से। पहले एक खरब थी उसमें घोटा करते थे, अमाम रस्ते में घोटा करते थे, हाथ वाली छन्ने में छाना करते थे। अब यहाँ छानने के लिए इतने बड़े छन्ने हैं, उसमें टनों टनों उसे छन जाते हैं। और गोलियां बनाने के लिए पहले हाथ से गोली बनाते थे, अब 5-5 करोड़ गोली बनाने की कैपेसिटी है, 5 करोड़। ये सारा कार्य वह संकल्प से, सेवा भाव से, संघर्ष से, पुरुषार्थ से आज हम यहां खड़े हैं। और अभी यात्रा बहुत लंबी है और आज इस सेवा में जो नेतृत्व कर रहे हैं आप सबका, ऐसे भरत जी और इनके साथ सेवा देने वाले शर्मा जी सहित आप सब जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा ये जो राज्यपाल है आज इसको हमने गोद ले रखा है और इसको मैंने कहा था उल्टा पुल्टा डायलॉग बोलेगा तो जैसे थे फिल्म में पिटाई हुई थी यहां भी हो जाएगा, तो इसलिए हमने तो डायलॉग इसके सुने नहीं, हम पहली बार सुन रहे हैं इसको। प्यार तो इसको बहुत देर से करते हैं, 10-12 सालों से ये योग को फॉलो करता है, शक्ति आचार्य जी के साथ में भी इनका बहुत प्रेम है और हमारे प्रति भी इनका बहुत ऊंचा गौरव का भाव है। तो आज राजपाल के भी कुछ अच्छे अच्छे जाए बात कुछ जो भी ये करे अब जो पता नहीं क्या करते तो, लेकिन ये इतना जरूर है ये बहुत सात्विक भैया है, बहुत पवित्रता है इसमें। एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत इनका आशीर्वाद। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मथा रख के नमन करता हूँ। आप भी यहाँ पे सब हमसे बड़े हैं उम्र में और कर्म में, सबको नतमस्तक करता हूँ, सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। आज अच्छा ये लगा कि आज हमारे जीवन में दो चीजें घटी, एक तो हमें इतने पवित्र समाज में आप सबको जिंदा देखने का मौका मिला और दूसरा चीज है बड़ा अच्छा ऐसी बात है, तुझे देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। इस सोच
दर भी ले लूं ऊपर वाले का, ये जो है मैं नहीं लौटा सकता कि अगर आपके पास कोई कुछ भी नहीं हाथ में पैरों में, साथ की शक्ल देख के एक दूसरे को देख के मन प्रफुल्लित हो जाए उससे बड़ा सौभाग्य। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जिस तरीके की ऊर्जा बच्चों की, उनकी श्रद्धा, उनकी अंग्रेजी, उनकी संस्कृत, उनकी हिंदी और जिस तरीके के, तो आज मैं संस्कार लेके जा रहा हूँ, आचरण लेके जा रहा हूँ, व्यवहार लेके जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज की संकल्प की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, उसके प्रमाण हमारे स्वामी जी यहाँ सामने। आज पूरे विश्व ने स्वामी जी के कर्मों को और स्वामी जी के धर्मों को बड़ी श्रद्धा से लिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आज उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम नहीं होंगे, और यही जब हम दधीजी जी के बारे में पढ़ते हैं या बड़े बड़े योगियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब भोगी लोग हैं, और जब योगियों की जन्म कुंडली पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम ये कैसे हुआ होगा। आज जो आपके सामने खड़े हैं, आज आने वाले 100 साल के बाद, 200 साल के बाद यही पुराण और यही हिस्ट्री होंगे, और हम लोग नहीं होंगे लेकिन हम लोगों के लोग होंगे जो हम लोगों की याद कर रहे होंगे। इन सबके दूर ऐसे महापुरुषों के बीच में खड़ा होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी की पुरस्कार, आज कितनी अच्छी बात है कि पुरस्कार जब मिलता है तो हर कोई आदमी खुश होता है, लेकिन पुरस्कार को आशीर्वाद बना के पूरे देश का हिस्सा बना दे वो स्वामी जी लोग भी कर सकते हैं, वो हम लोग भी कर सकते हैं, वो हम लोगों के बस की बात नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या कि डायलॉग हमेशा हमें यहाँ आदेश हुआ तो हमारे मन में ये श्रद्धा आई मन में कि हमारे एक डायलॉग क्यों सुनेंगे आप, एक दिन ऐसा करूंगा 2 घंटे को नाटक तैयार, नौटंकी वाला आदमी हूँ, 2 घंटे का नाटक तैयार करके आज पतंजलि में आप सबके लिए एक समर्पित करना चाहूंगा कि एक दिन की 2 घंटे छुट्टी स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको छुट्टी दें, आप एक बार हमें बता दें चाहे देश भर, चाहे देश तू, चाहे में कहीं भी जहां हमें एक मंच मिल जाए, और हम कोशिश करेंगे कि एक डायलॉग नहीं आपको 2 घंटे तक लगातार हंसाओ, लगातार लुटाओ, खूब मनोरंजन करो, लेकिन मनोरंजन के साथ में एक बहुत प्यारा सा मैसेज जो हमारी आपकी जिंदगी बनाए वही इस तरीके की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हुआ आप सबसे मिलके, और हमेशा आप लोगों के दर्शन करने आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। पतंजलि आयुर्वेद में जैसे आसमान में आपने तिरंगा फहराया है, ऐसे ही पूरी दुनिया में पतंजलि का भी झंडा सबसे ऊंचा फहर रहा है। योग का झंडा, आयुर्वेद का झंडा, स्वदेशी का झंडा, वैदिक संस्कृति का झंडा, भारत के यश गौरव गाथा का झंडा आपने इतना ऊंचा फहरा दिया है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं फिर उसको दोहरा रहा हूं, देखो दुनिया में नंबर वन होना बहुत फक्र की बात होती है, प्राउड की बात होती है, गौरव की बात होती है। कोई ताकत में नंबर वन हो तो कहते हैं भाई मैं दुनिया में सबसे बलवान हूं, और उसको बड़ा गुमान होता है। कोई पैसे में नंबर वन हो तो बड़ा गुमान होता है, कोई गाने में कोई नंबर वन हो तो बड़ा गुमान होता है, कोई एक्टिंग करने में राजपाल यादव की तरह नंबर वन तो उसको भी बड़ा गुमान होता है। कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में नंबर वन हो तो उसको बड़ा गौरव होता है, प्राउड होता है, उसको बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। तो आज अपना ये पतंजलि परिवार योग के क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन है, आयुर्वेद के क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन है, स्वदेशी के क्षेत्र में नंबर वन है, वैदिक ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में नंबर वन है, और यदि प्रोडक्ट वाइज बात की जाए तो आज पूरे देश में जो सैकड़ों सालों से घी का कारोबार कर रहे थे उनको भी पतंजलि ने पिछाड़ दिया, और पतंजलि का गाय का घी भी नंबर वन है। और टूथपेस्ट नंबर वन, आयुर्वेद में पूरे वर्ल्ड में
हर्बल टूथपेस्ट दंत कांति दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो गया, नंबर वन। आज आयुर्वेद को इतनी ऊंचाई पर लेकर के गए, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन हर्बल टूथपेस्ट में दंत कांति नंबर वन। बालों के लिए शैंपू में, हर्बल शैंपू में केश कांति नंबर वन। च्यवनप्राश के नाम पर कबाड़ा बेच रहे थे लोग, लेकिन केसर और 51 जड़ी बूटियों से बना हुआ, जिसने एक बार पतंजलि का च्यवनप्राश खाया उसको पता लगा है कि आखिर च्यवनप्राश खाने से कैसे यौवन मिलता है, क्योंकि उसमें सारी जड़ी बूटियां हैं। आप लोग तो खुद अपने हाथों से बनाते हो, 1000 किलो से ज्यादा केसर डालते हो उसमें, 1000 किलो, और वो भी कश्मीरी केसर। लोग घोटाला करते हैं, एक तो वो घोटाला करते हैं जो आपने पीछे सुने, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर सोसाइटी घोटाला, फिर कोयला घोटाला, फिर राशन घोटाला, सड़क घोटाला, जहां भी देखो वहीं घोटाला और बेईमानों का मुंह काला। लेकिन आयुर्वेद में भी लोग घोटाला करते थे, कैसे? ऊपर लिख कुछ दिया, अंदर डाला ही नहीं, क्योंकि उसके एक्टिव कंपोनेंट्स चेक करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। पतंजलि के औषधियों में जो ऊपर लिखा है वही अंदर मिला है, और बात यह है कि पतंजलि की दवाइयों की टेस्टिंग की लोगों ने, उसके मेथड्स, अभी कुछ के तो मेथड आ गए, जैसे किसी दवाई में स्वर्ण भस्म लिखा है, उसमें स्वर्ण भस्म कितनी पड़ी गई टेस्टिंग हो जाता है। तो हर महीना करीब 5 किलो सोने की भस्म बनती है, 5 किलो ऐसे हीरे की भस्म। और आज अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा टीवी पर हेडलाइंस, और आधा आधा घंटे के प्रोग्राम चल रहे थे, 2000 करोड़ के बाबा, 3000 करोड़ के बाबा, अभी थोड़े दिनों में ब्रेकिंग चलेगी 20000 करोड़ के बाबा। बाबा तो वही भैया, कोई जेब ही नहीं है, कई बात आप बाबा जी की जेब है, जूते भी एकदम देखो ठेठ देसी है, देखा? ये 5 साल में भी अभी इतना घिसा है, थोड़ा थोड़ा देख रहा है सामने निशान पड़ा है हल्का सा, और नीचे घिसाता है तो दूसरा रबर लगा देते, बहुत मजबूत है, देखा दोनों काम करता है, सुरक्षा का भी काम करता है और बहनों की भी रक्षा करता है, एकदम ठेठ देसी। देखो हम कोई भी देसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ी भी स्वदेशी, घड़ी भी स्वदेशी। पिछले दिनों दुनिया के और देश के ताकतवर लोगों की लिस्ट छपी, तो दुनिया के भी एक अमेरिका के मैगजीन ने नाम छापे, तो मेरे से फोन आया, बोले बाबा जी दुनिया के 100 ताकतवर लोगों में आपका नाम शुमार किया है। मैंने कहा भैया हम किस बात की ताकत, बोले बाबा जी जो आपके पास ताकत है योग की, आयुर्वेद की, और सबसे बड़ी बात सेवा की ताकत, वो किसी के पास नहीं है, सेवा की ताकत। बोले बाबा जी इतना बड़ा ब्रांड कैसे हो गया, मैंने कहा हमारे ब्रांड का राज है हाई क्वालिटी। क्या बोला बच्चों? हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट, क्या दूसरा? लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, लो, और तीसरी बात बहुत बड़ी बात, 100% चैरिटी। क्या? 100% चैरिटी। अब लोग कहते बाबा जी आप पतंजलि का ही प्रचार क्यों करते हो? मैंने कहा भाई मैं तो सबका प्रचार कर दूंगा, 3 काम कर लो, हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट और 100% चैरिटी, ये 3 काम कर लो। ये 3 काम पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़े स्तर पर एक मात्र कोई यदि संस्थान कर रहा तो उसका नाम पतंजलि आयुर्वेद। हाई
क्वालिटी, लो कॉस्ट एंड 100% चैरिटी, जो कुछ लाभ हुआ उस लाभ का उपयोग स्वामी रामदेव ने नहीं किया, आचार्य बालकृष्ण ने नहीं किया, वो सारा लाभ सेवा में लग रहा है। और अब तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, अभी आने वाले कुछ वर्षों में प्रत्येक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुलेगा, उसमें लाखों बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिलेंगे, आप लोगों के लिए भी खुलेगा। तो ये आप लोगों के जो बच्चे हैं ना, अभी वो दंड हो रहे हैं थोड़े थोड़े, इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे, तब सुबह 7 बजे जाकर के और शाम को 7 बजे घर लौटोगे, दिन भर पढ़ोगे, एक तरफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक तरफ उसके अंदर तुम्हें भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, दुनिया की भाषाएं, सारी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, और इसके साथ साथ वैदिक एजुकेशन जिस सिस्टम से हम पढ़े। भगवान राम जी के पास में डिग्री थी कोई, बीए पास है क्या हमने भगवान राम जी? तो भगवान राम जी के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, कृष्ण जी के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, और रामदेव के पास भी कोई डिग्री नहीं। मोहम्मद साहब के पास कोई डिग्री थी भाई? हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, ईसा मसीह के पास कोई डिग्री थी? वो लोग एक अलग सिस्टम था, वो एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़े, लेकिन अब हमने नया काम शुरू किया। मैंने कहा चलो अब हम इनको डिग्री भी देंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनको वो शिक्षा देंगे जो आदमी को राम बनाती है, जो कृष्ण बनाती है, जो मोहम्मद साहब बनाती है, जो ईसा मसीह बनाती है, जो गौतम का जन्म स्थान कदम हुआ, वैदिक एजुकेशन, ये दोनों काम हो गए। इस काम के लिए तो आप लोग बहुत बड़ा सेवा का काम कर रहे हो, भगवान भी बहुत प्रसन्न है, अभी आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, इतना बड़ा ये सेवा का काम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो मैं एक बार चाहूंगा सबके ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने इतना बड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा, अब इसको कोई देखता है ना तो एक तरफ से दूसरी तरफ जब आंखें घूमती है तो करीब 1 किलोमीटर का रास्ता तय होता है। अच्छा बताओ तुम तो आस पड़ोस के गांव वाले हो जी, ये सामने सबसे पहला गांव पदार्था, 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 अब पदार्था का नाम पूरी दुनिया में हो गया कि नहीं हो गया? जी जी, तब पदार्था वालों को खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पदार्था पूरी दुनिया में अमर हो गया है। मैं तो इस पदार्था को कौन जानता, अभी लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि यह है क्या, बोले पदार्था फूड पार्क है, पदार्थ हमें बड़े पदार्थ बनते, इतना बड़ा नाम हो गया, आस पड़ोस के गांव का नाम हो गया, और इस नाम को, इस काम को आगे बढ़ाने के श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में आदरणीय भरत जी और आदरणीय हमारे राकेश शर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक बार इन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे इस पूरे, देखो कितना ही बड़ा काम होता है उसको नेतृत्व करने के लिए बहुत मजबूत टीम चाहिए, हमारे अजय भाई रविंद्र शर्मा जी इधर आओ, मंच को आमंत्रित करता हूँ, रविंद्र चौधरी जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, इन्होंने भी हर्बल कॉस्मेटिक की दुनिया में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बना दी है। रविंद्र शर्मा जी को, हमारे आर्य जी को, रविंद्र चौधरी जी और हमारे आर्य जी, जयदेव जी है ना, यज्ञदेव जी, आर्य जी को जोरदार अभिनंदन है इनका भी, ये हमारे टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन और हमारे नागपाल जी, ये हमारे वो सीनियर लोग हैं जो इस पूरे अनुष्ठान में श्रद्धेय आचार्य श्री आदरणीय भरत जी इनके सबके नेतृत्व में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। बाकी हमारे सारे सीनियर से यहाँ लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, एक बार सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो वरिष्ठ जो इस पूरे अनुष्ठान को, इस स्वदेशी के यज्ञ को, अभियान को नेतृत्व दे रहे हैं,
एक बार सबका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जनरल वालिया साहब मेरे पीछे बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। इन्होंने मुझे सबसे पहले 20 साल पहले करीब 20 साल पहले जब ये नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे, जनरल एमएम वालिया साहब, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। ये उस समय उधमपुर जम्मू कश्मीर में थे और उस समय मैंने आर्मी के लिए कैंप लगाया था जम्मू कश्मीर उधमपुर में, तब से इनसे हमारा प्रेम है। और मैं देखा हूं ये 20 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे, रोज प्राणायाम करते, बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी भाई राजपाल जी बरसात के बीच में कुछ हो जाए, चलो भाई अभी गांव वाले भाई इनके बीच में तो तुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा। अरे कॉमेडी तो पर्दे पे भी देख लेंगे, आज जिंदा देख लेंगे दूसरे को, बड़ा अच्छा है। और इतना बढ़िया प्यारे प्यारे फेस, जितना स्वामी जी की जिस तरीके आशीर्वाद मिल रहा है सब सीनियर्स को, आप सबकी ऊर्जा को, मैं तहे दिल से बोलता हूँ अभिनेता गिरी अलग है, लेकिन ये जो वर्क कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया में फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, मैं अभिनेता ही नहीं, मैं एक इंसान के रूप में आप सबको नतमस्तक करता हूँ। आपके हाथों की ऊर्जा है जिसमें आप हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट और 100% चैरिटी, ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शब्द जब कथनी और करनी बदल जाए तो आई थिंक उसके लिए ऐसे महापुरुष ही पैदा होते हैं। और सब जितना भी आशीर्वाद पूरा देश का दुनिया का जितना भी आशीर्वाद मिले वो इन महापुरुषों से मिले दुनिया को, तो बहुत दुनिया का कल्याण हो सकता है।